हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज कौन सा दिन है? कोई सा तो दिन है, पांचवा छठा दिन। तो आज हम जा रहे हैं तीर्थन वैली। हाँ, तीर्थन। मेरे को जगह का नाम बिल्कुल याद नहीं रहता कि कहाँ घूम के आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। और जलोड़ी पास अगर शायद जा पाए तो। हाँ, वैसे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैकिंग करनी है और वो मैं नहीं करूंगी। हाँ, आज हम जाएंगे तीर्थन वैली और आपको वहाँ का दिखाएंगे अगर कुछ अच्छा मिला तो। ऑल्सो आज हम सुबह 6:30 बजे उठ गए थे। हम गए थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहाड़ पे और ऊपर, और इतना मज़ा आया ना, इतनी फ्रेश एयर होती है यहाँ की कि बहुत मज़ा आया। हमने वहाँ पे थोड़ी डीप ब्रीदिंग की और हमारे लंग्स को थोड़ी फ्रेश एयर मिली। तो हम रेडी हो चुके हैं और ये भी रेडी हो चुके हैं। हाँ, सो चलिए मिलते हैं हम आपसे रास्ते में। बाय बाय। तो लेकिन मेन जगह पे जाने का गाइस, हम लोग आए थे तीर्थन वैली में। यार, यहाँ पे आना हमारा वेस्ट हो गया। हम लोग तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। हम एक सेकंड के लिए रुके थे मुश्किल से, और मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे सिर्फ एक रिवर साइड है, उसके अलावा पूरी वैली में कुछ भी नहीं है। तो कभी भी मत आना यार, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बेस्ट है आप ऊपर ही रहो या फिर आप कुल्लू निकल जाओ। यहाँ पे आना वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसके कुछ भी नहीं है, रिवर साइड है, दैट्स इट। सो गाइस, कल हम आए थे बहुत लेट नाइट यार, क्योंकि हमारे रास्ते में 2-3 जगह पे मूड खराब हो गया था। सबसे पहले हम तीर्थन वैली गए और तीर्थन वैली जाना हमारा वेस्ट हो गया, काफ़ी सारा टाइम हमारा ख़राब हो गया। उसके बाद हम आतिवार में हमने रास्ता थोड़ा डिफरेंट लिया था, क्योंकि हमें किसी ने नाइटिंगेल नाम का एक रेस्टोरेंट बताया था बाहर, जहाँ पे हम अच्छा खासा खाना खा सकते थे, वहाँ पे पिज़्ज़ा मिल सकता था। क्योंकि मेरे साथ छोटा बच्चा है, उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, उसके लिए हम काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमें टेबल नहीं मिली, उन्होंने कहा विदाउट रिजर्वेशन हम लोग गेस्ट की एंट्री नहीं लेते। तो वहाँ पे अगेन मूड ख़राब हुआ, फिर आगे बढ़े उसके बाद। लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह मिली जिसका नाम था ऑलिव पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ऑलिव ऐसा ही कुछ था। बहुत ही बेस्ट रेस्टोरेंट था, वहाँ पे पिज़्ज़ा की एक से एक यू नो कैटेगरी थी, जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है इसमें। जो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हमने मार्गरिटा किया था और काफ़ी सारे ड्रिंक्स किए थे। जो खाली पिज़्ज़ा मैंने इसमें शूट किया, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो साथ में बच्चा था वो थोड़ा सा हमारे साथ बातें कर रहा था, एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद अंधेरा हो गया और हम लोग फिर वापस यहाँ पे आ गए होटल में, और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम खाना खाया और सो गए। तो इसलिए कल व्लॉग एंड क्या करना था, खैर कल बहुत छोटा ही शूट हो पाया था क्योंकि कुछ था ही नहीं। कल पूरा दिन हमारा वेस्ट गया। हमने स्टार्ट किया था सुबह 9:30 बजे और हम आए हैं वापस यहाँ पे आपका शाम के 7:30-8 बजे। तो 120 किलोमीटर के अराउंड ड्राइव ही ड्राइव करते रहे और जाना आना सारा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि वो रोड ख़राब है। करीब हमने इधर से 3.5-4 घंटे ड्राइव की, 3.5-4 घंटे वापस आने में की। और चलो वो तो ठीक था, अब आप देख सकते हो ये काम कर रही है और मैं भी अब वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ आज के दिन। क्योंकि आज क्या है कि अपन लोग ने हमने आज जो है छुट्टी नहीं ली है, क्योंकि हमारा क्या है कि हमारे पास लिमिटेड लीव्स थी तो हमने छुट्टी नहीं ली थी, इसी वजह से आज हम काम कर रहे हैं। हमने बीच में भी 2 दिन काम किया है और हमारे साथ वाले जो होते हैं उन्होंने छुट्टी लिया तो वो लोग गए घूमने, और आज देखते हैं वो कहाँ जाएंगे। अभी वो वीडियो कॉल करेंगे हमें थोड़ी देर में, तो वो जहाँ तक है शायद आज स्पीति की साइड जाएंगे। पिछली बार हम गए थे बारालाचा साइड, तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो करीब 15-20 किलोमीटर जाएंगे, क्योंकि उनके साथ छोटा बच्चा है, वो जस्ट सिर्फ यू नो इन्जॉय करने गए, लास्ट डे का फील लेते। हम नहीं जा पाए क्योंकि ऑफिस का काम है, और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे आपका अराउंड 8-9 बजे। फिर देखते हैं कैसे दिल्ली पहुंचेंगे, या फिर हमें कहीं पे बीच में ले ओवर करना पड़ेगा, चंडीगढ़ या फिर नालागढ़ टाइप्स। तो कल का कल पता चलेगा, अभी पूरा दिन है तो देखते हैं अभी हम लोग क्या हमें कुछ यहाँ पे मिलता है। हम यहीं पे फील लेंगे अपने गार्डन में, बहुत अच्छा गार्डन है, सुंदर गार्डन है, यहीं पर पूरा मज़ा करेंगे। सही कहा ना मैंने, तो यहीं पर ही मज़ा करेंगे। तो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, हर दिन का यहाँ पर अलग नज़ारा होता है। आज जो नज़ारा है बिल्कुल ही डिफरेंट है। आज आप ऊपर देख सकते हो स्नो वाले जो माउंटेंस थे वो पूरे के पूरे स्काईज ने कवर कर लिए हैं और स्नो दिख ही नहीं रही है।
उधर की साइड था वो वाला भी, ये वाला भी, तो ये पूरा कवर कर रखा है। हमारे यार गार्डन की खासियत है कि यहाँ पे बहुत ही शांति रहती है और बहुत बड़ा गार्डन है और सीधा रूम से एक्सेस है। और हमारे साथ वालों का ऊपर रूम है, वो लोग अभी घूमने गए हैं। ये नीचे पूरी वैली है एज यू कैन सी। जो उधर की साइड जो स्नो वाले माउंटेंस थे वो भी पूरे आज स्नो बादल से कवर हो गए हैं। ये पूरा है मनाली, यहाँ से स्टार्ट होता है और बहुत दूर दूर तक जाता है। ये सभी होटल्स में लाइट जलती है, रात को बहुत कलरफुल हो जाता है। ये है आपका ब्यास रिवर, ये ब्यास रिवर जा रही है। क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हैंडी लगता है मेरे को। तो वो है पूरा एलेओ, एलेओ है। हम लोग इस साइड है, वो सारी साइड एलेओ की है। कल हम उस साइड पूरा घूम के आए थे, वो सारी जगह पे, वहीं पे ही ओलिव पिज़्ज़ा वगैरह है, वहाँ पे बहुत अच्छे वर्क फ्रॉम होम के लिए होम स्टे टाइप्स हैं और आपका रेस्टोरेंट्स है, बार है, तो बहुत ही हैपनिंग है। यहाँ पे हमारी वाली साइड थोड़ी शांत है, हमें शांति मिलती है हमको।